गुड इवनिंग मनीष, वेलकम टू टैक्स 10। वी विल सी हियर 10 टैक्स एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द डे बैक टू बैक। सो लेट्स बी स्टार्ट। नो पेनाल्टी फॉर एक्सपायरी ऑफ ईवे बिल इफ नो इंटेंशन टू इवेक्ट टैक्स। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अशोक कुमार सुरेखा के केस में डिसीजन दिया है कि अगर टैक्स इवेट करने का इंटेंशन नहीं है और वो केसेस में ईवे बिल एक्सपायर होता है तो उसपे कोई भी पेनाल्टी नहीं आएगी। अगर टैक्स इवेजन करने के इंटेंशन से ईवी बिल एक्सपायर होता है उसके बाद भी ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो केसेस में ही पेनाल्टी आएगी। कर्नाटका रेडीज टू एग्जाम जीएसटी रॉयल्टी ऑन कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सेज कर्नाटका सीएम बसवराज बोम्मई। कर्नाटका के सीएम है, उन्होंने फाउंडेशन लाइन सेरेमनी था उसमें उन्होंने कहा है कि अगर गवर्नमेंट 25% कॉस्ट बेयर करती है फॉर लैंड एक्विजिशन कॉस्ट 25% बेयर करती है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जो कर्नाटका गवर्नमेंट है वो जीएसटी एंड रॉयल्टी जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज होता है उस पे एग्जेम्प्ट कर देंगे। ये 925 किलोमीटर नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन है उसके फाउंडेशन लाइन सेरेमनी में कर्नाटका सीएम ने ये बोला है। और भी उन्होंने बोला है कि दूसरे जो रोड प्रोजेक्ट है उसके केसेस में भी ये जीएसटी एंड रॉयल्टी एग्जेम्प्ट कर देंगे कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे अगर सेंटर 25% लैंड एक्विजिशन कॉस्ट बेयर करती है। तो कैरोगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरर्स सीक कट इन जीएसटी रेट फॉर द बेनिफिट ऑफ एमएसएमई सेक्टर। रिसेंटली जो कैरोगेटेड एंड नॉन कैरोगेटेड बॉक्सेस है उसके ऊपर यूनिफॉर्म रेट लाए गए थे 18%, जो कि पहले 12% और 18% था। तो जो साउथ इंडियन कैरोगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है उन्होंने सेंटर को अर्ज किया है कि जो रेट है कैरोगेटेड बॉक्स पे उसको रिड्यूस करे फॉर द बेनिफिट ऑफ एमएसएमई सेक्टर। जीएसटीएन एनेबल न्यू फीचर जियो लोकेशन फॉर फाइलिंग एड्रेस ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ एड्रेस फॉर एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जहाँ पे आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस होता है वो डालते वक्त अभी जीएसटी पोर्टल पे जियो लोकेशन आपको दिखेगा, वहां से आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका प्रिंसिपल एड्रेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आपको ऐड करना है वो। तो ये न्यू फीचर जीएसटी ने इनेबल किया है ऑन पोर्टल जीएसटी पोर्टल। सीबीडीटी इशूड रिफंड ओवर 1,83,579 करोड़ टू मोर देन 2.09 करोड़ टैक्स पेयर। और ये जो रिफंड है वो अप्रैल 21 से 28 फरवरी 2022 तक दिए गए हैं, जिसमें आउट ऑफ दिस 183,579, 65,938 इशू किए गए हैं इन 2.07 करोड़ केसेस एंड कॉर्पोरेट रिफंड 1,17,641 इशू किए गए हैं इन 2.3 लाख केसेस में। इनकम टैक्स पोर्टल पे सैटरडे टू संडे डाउन टाइम रहेगा। ये सैटरडे 5 मार्च 10 PM से संडे 6 मार्च 8 AM तक जो इनकम टैक्स का पोर्टल है वो वर्किंग नहीं होगा, वो डाउन टाइम रहेगा ड्यू टू देयर मेंटेनेंस। सीबीआईसी ने एडवाइजरी इशू की है फॉर द इम्पोर्टर्स टू अवेल द बेनिफिट ऑफ आईजीसीआर। जो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशन रेट ऑफ ड्यूटी के लिए जो एप्लीकेशन करना होता है उसको सिंप्लीफाई किया है गवर्नमेंट ने और उसके लिए एडवाइजरी इशू किया है जिसमें स्टेप वाइज प्रोसीजर्स बताए गए हैं टू इम्पोर्ट द गुड्स एट कंसेशन रेट ऑफ ड्यूटी। आप ये एडवाइजरी हमारे वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। क्रूड प्राइसेस सर्ज अबव $110 बैरल एट फर्स्ट टाइम सिंस 2014 एज रशिया स्ट्रगल टू मेंटेन एनर्जी सेल्स। क्रूड ऑयल का प्राइस है वो मोर देन $110 पर बैरल हो गया है और ये 2014 के बाद फर्स्ट टाइम हुआ है कि क्रूड ऑयल का प्राइसेस पर बैरल $110 हो गए हैं। रशिया एंड यूक्रेन के वॉर चल रहे हैं इसकी वजह से ये प्राइस हाइक हुए हैं क्रूड ऑयल के। SpiceJet has joined other airlines in Indian effort to bring back Indian standards in Ukraine. जो यूक्रेन में स्टूडेंट्स है उसको इवैक्यूएट करने के लिए ऑलरेडी इंडियन एयरलाइंस उनको इवैक्यूएट कर रही है, जिसमें अभी SpiceJet भी ये इवैक्यूएशन के लिए जुड़ गई है इंडियन स्टूडेंट्स को लाने के लिए। इल्कर आईकी डिक्लाइन एयर इंडिया CEO पोस्ट। एयर इंडिया ने इल्कर आईकी को अपॉइंट किया था इन Feb 22 एज अ पोस्ट ऑफ CEO ऑफ एयर इंडिया, बट उन्होंने ये अपॉइंटमेंट डिक्लाइन कर दिया है। वो उन्होंने बोला है कि वो ज्वाइन नहीं करेंगे एयर इंडिया को, जो कि उनको 1 अप्रैल 2022 से ज्वाइन करना था एयर इंडिया को। जो एकर आईकी है वो तुर्किश एयरलाइंस में अभी अपॉइंटेड थे और उन्होंने तुर्किश एयरलाइंस को बहुत डेवलप किया है, तो इसकी वजह से भी इसको एयर इंडिया टाटा ने हायर किया था फॉर द एयर इंडिया CEO। जो तुर्किश प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कश्मीर के ऊपर इंडिया के लिए कुछ एडवर्स कमेंट किए थे, उसकी वजह से इंडियन न्यूज चैनल में ये इल्कर आई की ट्रोल हो रहे थे, तो उसकी वजह से उन्होंने ये जो अपॉइंटमेंट है वो उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।